हाय, वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैक टीवी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ तड़कती और भड़कती खबरें स्ट्रेट फ्रॉम बॉलीवुड। 2019 खत्म हो चुका है और काफी सारी मूवीज ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 2019 में। सबसे पहले बात करते हैं टॉप ग्रॉसिंग मूवी के बारे में, जो कि थी ऋतिक रोशन की वॉर। वॉर ने ज्यादा पैसे तो कमा लिए, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन में इतना ज्यादा दम नहीं था। बट उसके बावजूद ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की एक्टिंग ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। वॉर ने अप्रॉक्सीमेटली 475 करोड़ का बिजनेस किया है और ऑडियंस की फेवरेट बन चुकी है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म के बारे में, जो कि थी हम सबकी फेवरेट कबीर सिंह। शाहिद कपूर की एक्टिंग ने लोगों का दिल तो जीत लिया और उसके साथ साथ प्रीति सिंह यानी कि कियारा अडवाणी ने भी धमाल मचा दिया है ऑन स्क्रीन पर। उन दोनों की केमिस्ट्री, उन दोनों के गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं और उसके अलावा इस मूवी ने किया है 379.02 करोड़ का बिजनेस। यूरी, जो कि थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो चुकी है 2019 की, जनवरी में रिलीज हुई इस मूवी ने बिजनेस किया है 342 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और उसके अलावा ये एक रियल इवेंट पर बेस्ड है स्टोरी। विकी कौशल, जो कि एक नेचुरल टैलेंटेड एक्टर कहलाए जाते हैं, इस मूवी के बाद ऑडियंस को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उन्होंने पहले ऑडियंस का दिल राजी से जीता और अब इस मूवी से।
करते हैं फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में जो कि रही है सलमान खान की भारत। इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज थी बॉलीवुड के अंदर कि ये मूवी पहले प्रियंका चोपड़ा करने वाली थी, लेकिन उनकी शादी के पीछे वो ये मूवी साइन नहीं कर पाई और ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड में कमबैक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन ये मूवी वो नहीं कर पाई और ये मूवी फिर साइन करी कैटरीना कैफ ने। इस मूवी का प्लॉट बहुत ज़्यादा वीक और डल था, लेकिन सलमान खान के पीछे इस मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। इन्होंने किया है 325 करोड़ का बिजनेस, विच इज़ ह्यूज। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की मिशन मंगल के बारे में। ये मूवी अगस्त में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने 290 करोड़ के साथ साथ बॉलीवुड की फिफ्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग का भी किताब पाया। और उसके अलावा इस मूवी में विद्या बालन, तापसी पन्नू और सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ थी। ये मूवी एक रियल इवेंट पर बेस्ड है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 के बारे में। ये मूवी सिक्स्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2019 रही है, जबकि इसके जोक्स और पन बहुत ही ज़्यादा डल थे। बाकी तीन हाउसफुल के कंपैरेटिवली ये मूवी बहुत ज़्यादा चली नहीं और ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आई, बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस तो अच्छा कर लिया। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल की ये मूवी ऑडियंस का दिल ज़्यादा टाइम तक नहीं जीत पाई थी। अक्षय कुमार की एक्टिंग की तो बहुत तारीफ की थी, लेकिन बॉबी देओल के जोक्स बहुत ही ज्यादा बुरे थे इस मूवी में।
मुझे लगता है कि सभी लोग मेहनत करते हैं और बहुत लक मायने रखता है क्योंकि यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. और लाइक अक्षय सर इज एब्सोल्युटली राइट कि लक मायने रखता है और कभी कभी कोई फिल्म चल जाती है, कभी कभी नहीं चल जाती. एंड हार्ड वर्क तो सभी करते हैं. इफ यू डोंट गिव योर 100% इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क there's no point cribbing about your luck. Agar aap wo 100% dete ho and then your luck doesn't work, at least you can lie back and relax and see maine apna 100% diya, fir nahi chala to nahi chala. But yeah, everybody comes with their own destiny and own luck. अब बात करते हैं जोया अख्तर की गली बॉय के बारे में. ये मूवी 14 फरवरी 2019 को रिलीज हुई थी और ये मूवी एक स्टार के ऊपर है, एक स्टार जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद बनता है. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ रही है इस मूवी में और ये मूवी ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी बट ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी. इस मूवी ने 238 करोड़ का बिजनेस किया है विच इज़ ह्यूज अगेन. और उसके अलावा आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को इस मूवी के लिए कई ज़्यादा अवार्ड्स मिले गए हैं. ये मूवी एक ऐसे स्लम के बारे में है जो अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करता है एंड फाइनली वो अपना ड्रीम अचीव कर लेता है और वो रैपर बन जाता है. अब बात करते हैं मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मूवीज ऑफ 2019 के बारे में. 2019 में बहुत ज़्यादा हिट मूवीज़ तो रही है लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप मूवीज़ भी आई हैं. सबसे पहले बात करते हैं कलंक के बारे में. ऑडियंस ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट देखने के बाद इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था. इस मूवी के अंदर वरुण धवन, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित और सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग थे एंड इस मूवी के ट्रेलर से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उनके कॉस्ट्यूम से, कॉन्सेप्ट से, क्योंकि थोड़ी पुरानी मूवी थी, पुराने बैकड्रॉप की मूवी थी. लेकिन जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा डल और बोरिंग थी. ऑडियंस बीच में से उठकर जा रही थी, ये मूवी फ्लॉप डिक्लेयर हो गई थी. और इसके अलावा एक और मूवी आई थी टोटल धमाल. धमाल और धमाल 2 ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर एंड लोग बहुत एक्साइटेड थे इस मूवी के बारे में. लेकिन टोटल धमाल के बाद लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे. बहुत ही गंदे गंदे जोक्स थे मूवी के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया था. टोटल धमाल वॉज अ फ्लॉप जबकि उसके अंदर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी थे. उसके अलावा एक और मूवी आई थी पागलपंती जिसके अंदर अनिल कपूर थे, जॉन अब्राहम थे और ये मूवी भी फ्लॉप डिक्लेयर हो गई थी.
लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि अंदर अनिल कपूर और उनकी डॉटर सोनम कपूर थे। लोग इन दोनों को ऑन स्क्रीन देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो वो उसका स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा बोरिंग थी कि लोग वो मूवी सहन नहीं कर पाए। उसके अलावा एक और मूवी आई थी साहो, जो कि द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी ऑफ 2019 डिक्लेयर हुई थी, लेकिन उस मूवी ने बहुत कमाल नहीं दिखाया ऑन स्क्रीन। प्रभास, जिनकी बाहुबली सुपर डुपर हिट रही है, वो इस मूवी के अंदर थे, लेकिन ये मूवी फ्लॉप हो गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 आई थी 2012 में एंड इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर। उसी की वजह से आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा सुपर डुपर हिट एक्टर्स बन चुके थे ऑलरेडी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के स्टारकास्ट से भी हमें कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। ये तारा सुतारिया अनन्या पांडे का बिग ब्रेक हो सकता था, लेकिन करण जौहर की ये मूवी इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई और इसकी स्टोरी लाइन भी वीक थी। अनन्या पांडे की एक्टिंग से लोग तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो ही गए थे, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर उनके मीम भी पॉपुलर होने लगे नेपोटिज्म की वजह से। जब नेपोटिज्म पे सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने उनकी बात पर उनकी बेइज्जती करी थी, उसके बाद से अनन्या पांडे के मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप रही है, उसने खाली 30 करोड़ कमाए हैं, विच इज़ नथिंग। I think the vibe was ki aag lagana tha. Yes. So, you know, we had to go all out in that sense. Yes. And these two fiery girls, I had to keep up with them. Mm. Because I couldn't be my cool self or my wannabe cool self. But yeah, I was just really having a good time. And, you know, it was the last thing we shot of the film. Yes. So, that being said, we just all had a great time just shooting. Right. And you can just see the vibe. Once you see the video, you'll come to know that we were just having a good time. अभी ईयर एंड पर आए थे स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2019, जिसमें बेस्ट डेब्यू प्रॉमिसिंग फीमेल एक्टर का अवार्ड गया है सारा अली खान को केदारनाथ के लिए। उन्होंने केदारनाथ में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी थी एंड उसी के एक महीने बाद उनकी एक और मूवी आई थी रणवीर सिंह के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो मूवी थी सिम्बा। और उसके बाद सारा अली खान कुछ इस तरह पॉपुलर हुई है कि उन्होंने ऑडियंस के दिलों में एक नई जगह बना ली है।
वो कॉफी विद करण से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड उसके अलावा अवार्ड शोज में उनकी परफॉर्मेंस के बाद लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बेस्ट प्रॉमिसिंग मेल एक्टर का अवार्ड जाता है आयुष्मान खुराना को उनकी परफॉर्मेंस बाला के लिए, जिनमें वो एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। और आयुष्मान खुराना ने अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल बार बार जीता है, पहले ड्रीम गर्ल से फिर बाला से। स्टार स्क्रीन क्रिटिक्स अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है तापसी पन्नू और भूमि को सांड की आंख के लिए, एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है आयुष्मान खुराना को आर्टिकल 15 के लिए। ये तीनों एक्टर और एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल बार बार तो जीतते ही हैं और उसके अलावा हर बारी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को गया है गली बॉय के लिए, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स और भी जीते हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है आलिया भट्ट को, एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है आलिया भट्ट को फिर से गली बॉय के लिए ही, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी गली बॉय लेके गई है। बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर जो कि न्यू कमर के रोल में आए हैं वो है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जो कि एमसी शेर का रोल निभा रहे थे गली बॉय के अंदर। दीपिका पादुकोण की छपक इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन 10th of January। इसके लिए वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रमोशंस कर रही हैं और उसके अलावा ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग लग रहा है। ये एक रियल स्टोरी है जो कि लक्ष्मी अग्रवाल की स्टोरी पर बेस्ड है, कैसे वो एक एसिड अटैक विक्टम से निकल कर वो एक अच्छे लेवल पर आई और वो अब इंस्पायर कर रही है लोगों को अपने अंदर एक अच्छाई ढूंढने के लिए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या बोला। मैं बहुत पॉजिटिव होके देख रही हूँ, क्योंकि जब एक ऐसी पर्सनालिटी बाहर आती है और सोसाइटी को मैसेज देती है जिसे सारी दुनिया जानती है और सब लोग बहुत प्यार करते हैं उनको, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के, क्योंकि उनके वजह से, मेघना मैम के वजह से सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को देख रही हूँ। आपके साथ दीपिका जी ने इतना टाइम स्पेंड किया है, क्या कुछ हुआ, कुछ आपकी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं? अभी तक भी आप देख रहे हैं सारी यादें ही हैं और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो सारी बहुत खूबसूरत यादें हैं। कोई स्पेशली जब भी हम मिलते हैं और वो खूबसूरत पल ही होता है हमारे लिए। कुछ ऐसी चीज़ जो दीपिका ने आपसे कही हो या कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को छू गई हो? सारी बातें उनके दिल को छूती हैं। जो लोग आज भी विक्टिम बन के जी रहे हैं, विक्टिमाइज हो रहे हैं और इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो जो लोग विक्टिमाइज कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ें, लोगों को पीड़ित बोलना छोड़ दे, विक्टिमाइज करना छोड़ दे। दूसरा ये भी, जो लोग अपने आप को बेचारा बना के चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें कोई मदद नहीं करता, आपकी मदद तभी कोई कर पाएगा जब आप खुद की मदद कर पाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने घर से आवाज़ उठाना, क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है तो सबसे ज़्यादा
जो अटैकर्स होते हैं, जो नोन होते हैं, वो घर के अंदर के ही लोग होते हैं जो अटैक करते हैं। तो घर में जब भी कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसमें चुप्पी ना थामे, अपनी आवाज़ को बुलंद करे, अपने अधिकार के लिए लड़े। दीपिका पादुकोण ने अपना 34th बर्थडे बहुत ही जोरों शोरों से मनाया है। उन्होंने इस बार ये बर्थडे पार्टी कर एक कैफे में मनाया है जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स चलाते हैं। और इस बर्थडे पे उनके साथ मौजूद थे लक्ष्मी अग्रवाल, जिन पर ये स्टोरी छपक बेस्ड है। और उसके अलावा इस कैफे में उनको अकंपनी किया उनके हस्बैंड ने, रणवीर सिंह। आपने दीपिका पादुकोण का बर्थडे कैफे सेलिब्रेशन में तो देख लिया, और उसके अलावा उनका एक फ़ैन उनके लिए बर्थडे केक लेकर आई एयरपोर्ट पर। और जब दीपिका पादुकोण ने वो काट कर रणवीर सिंह को खिलाया तो रणवीर सिंह ने बोला, नहीं, पहले फ़ैन को केक खिलाओ। आइए देखते हैं ये वाली क्यूट वीडियो। मिशन मंगल की सक्सेस के बाद विद्या बालन ने अपना बर्थडे अपने फैंस के साथ मनाया। वो 41 इयर्स की हो गई है 1 जनवरी 2020 को। सिल्वर अटायर में बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रही थी वो अपने बर्थडे पर। शकुंतला देवी की तैयारी वो जोरों शोरों के साथ कर रही है, जो कि रिलीज होने वाली है 8 मई को। आइए देखते हैं उनके बर्थडे की वीडियो क्लिप।
मलंग का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इस ट्रेलर पर अनिल कपूर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और उनके साथ साथ आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी भी बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हैं। इसका ट्रेलर लॉन्च जो हुआ था उस पर 17 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। आइए देखते हैं इनका लॉन्च। डांसर 2.0 के तीन गाने आ चुके हैं। पहला गाना मुकाबला, जिसमें प्रभु देवा के साथ साथ वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी डांस कर रहे हैं, उसकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यू मस्ट वॉच इट। और उसके अलावा जो इनका सेकेंड गाना आया है उसमें नोरा फतेही खान है और उस वीडियो पर 66 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। उस गाने का नाम है गर्मी और बहुत ही अच्छी वीडियो है उस गाने की। तीसरा गाना जो इनका रिलीज़ हुआ है वो एक पंजाबी सॉन्ग का रीमेक है, इल्लीगल वेपन 2.0। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोगों को ये गाना बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि रीमेक बहुत ख़राब कर दिया है, और कुछ लोगों को इस गाना की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस गाने पर 17 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, यू मस्ट वॉच इट। ट्वेंटी के लास्ट में एकदम आता है हमारे सलमान खान का बर्थडे 27 दिसंबर को। वो 2019 में 54 ईयर्स के हो गए हैं और उन्होंने ये बर्थडे मनाया अपने फैंस के साथ। और उसके अलावा इस बर्थडे पर उनको सबसे बड़ा गिफ्ट मिला, उनकी नीस बॉर्न हुई है सेम उनके बर्थ डेट पर, और उस नीस का नाम उन्होंने रखा है आयत। आइए देखते हैं ये वीडियो। अब बात करते हैं अक्षय कुमार और करीना कपूर की गुड न्यूज़ के बारे में। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं क्योंकि फर्स्टली इस मूवी का गाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
सेकेंडली इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस मोमेंट है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा कॉमेडी इन्जॉय कर रही है, और ये कियारा आडवाणी की सेकेंड सक्सेसफुल मूवी है 2019 की। दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस भी इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और इस मूवी ने अभी तक 163 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है, और इन्होंने अक्षय कुमार की केसरी को भी पीछे छोड़ दिया है। ऋतिक रोशन का बर्थडे आने वाला है 10th of January को, वो इस बारी 46 ईयर्स के होने वाले हैं, और उन्होंने बॉलीवुड में अपने मेजर कंट्रीब्यूशन के साथ बॉलीवुड का नाम तो रोशन किया ही किया, साथ में अपने पापा राकेश रोशन का नाम भी काफ़ी रोशन कर दिया है। उनकी मूवीज़ वॉर, कोई मिल गया, कभी खुशी कभी गम, क्रिश, और उसके साथ साथ 2019 की सुपर डुपर फर्स्ट हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म वॉर, उनकी परफॉर्मेंसेस की दाद देनी पड़ेगी। उनके डांस से ऑडियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती है। लास्ट ईयर उनका गाना घुंघरू बहुत ज़्यादा हिट रहा था, लोगों को बहुत पसंद आया था। वी वॉन्ट टू विश हिम अ हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टैग टीवी फैमिली। वी विश हिम सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। Thank you for watching Bollywood Roundup with Naina Oberoi at Tag TV. See you next week.